नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे में हम आपको खबर बताएंगे और खबरों के मायने भी समझाएंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, जब से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी है, तब से ही बिहार में टूट की बात की जा रही है। एनडीए की बहुमत वाली सरकार के मुकाबले विपक्ष बहुमत से काफी दूर है। बावजूद इसके महागठबंधन में शामिल पार्टियों के विधायक ये क्यों कहते हैं कि खेला होना बाकी है, जबकि कांग्रेस खुद ही टूट के डर से पार्टी विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर चुकी है। तो सवाल है कि एनडीए में कैसे खेला होगा। पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार में 28 जनवरी को बीजेपी और जेडीयू का फिर से गठबंधन हुआ। करीब 17 महीने बाद फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। अब 12 फरवरी को सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। 12 फरवरी को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है, पर इससे पहले ही आरजेडी की तरफ से खेला होने की बात कही जा रही है। हालांकि आंकड़ों के गणित में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है। नीतीश कुमार ने बीजेपी और हम विधायकों के साथ 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है, तो वहीं तेजस्वी का महागठबंधन बहुमत से काफी दूर है। विपक्ष के पास 114 विधायकों का ही साथ है। अब सवाल उठता है कि तेजस्वी किस खेल की बात कर रहे हैं और एनडीए के साथ कैसा खेला होगा। अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। सवाल ये भी कि कांग्रेस को टूट का डर क्यों सता रहा है। पटना से आखिर हैदराबाद कांग्रेस विधायकों को किस डर से शिफ्ट किया गया। इन सब के बीच बिहार में जिस खेला की बात हो रही है उससे कई स्थितियां भी जुड़ी हुई हैं। पहली स्थिति ये है कि जेडीयू के पास 45 विधायक है, तोड़ने के लिए 30 एमएलए की जरूरत पड़ेगी। दूसरी स्थिति है बीजेपी के पास 78 एमएलए हैं, तोड़ने के लिए 52 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तीसरी स्थिति ये है कि किसी भी पार्टी में यदि टूट हुई तो व्हिप का उल्लंघन माना जाएगा, विधायकों की सदस्यता चली जाएगी। क्या विधायक ये रिस्क ले सकते हैं? चौथी स्थिति ये है कि बीजेपी को हारी हुई बाजी जीतने वाली पार्टी मानी जाती है। पांचवी स्थिति ये है कि कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है, इसलिए हैदराबाद में विधायक शिफ्ट किए गए हैं। अगर टूट होता है तो एनडीए मजबूत होगा, राज्यसभा चुनाव में भी खेल हो सकता है। छठी और आखिरी स्थिति में बहुमत साबित न होने पर गवर्नर पर नजरें टिकी रहेंगी। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, मुख्यमंत्री विधानसभा भंग भी कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में बीजेपी की स्थिति बेहतर है, ऐसे में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होने पर एनडीए को फायदा होगा। बिहार में खेला की बात पर सियासत बेहद गर्मा गई है। जेडीयू और बीजेपी के नेता जहां एकजुटता का दम भर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर ही तोड़फोड़ की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। इस गठबंधन में और पहले भी इस गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं। जनता दल यू में कभी भी इस तरह का कोई टूट की संभावना का दूर दूर तक कोई औचित्य नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का दिव्य स्वप्न देख रहे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के टूटने का रिकॉर्ड नहीं रहा है, पर उनकी पार्टियों का टुकड़े टुकड़े में टूटने का रिकॉर्ड रहा है। विध्वंस की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति, तो उन लोगों को मुबारक हो जो देश भर में ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। दूसरी बात कि वो किसी के साथ सरकार बनाए, वही 10 लोग उनके मंत्रिमंडल में हर बार होते हैं, नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है, तो अपना भविष्य वहां अंधकार में देख रहे हैं। तो नाराज विधायक है और वो अगर कहीं जाना चाहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, हमारा संस्कार है मेहमान का स्वागत करना। बिहार की सियासत ही नहीं, खेला की बात देश के दूसरे राज्यों तक हो रही है, पर बिहार में नई सरकार के बनते ही जिस तरह से खेल होने की बात कही जा रही है, उससे यही सवाल उठते हैं कि बहुमत वाले एनडीए की सरकार में खेला कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आप समझिए कि बिहार में कैसे खेला होगा। तो बिहार में एनडीए सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है, 128 विधायकों का समर्थन एनडीए सरकार को हासिल है।
महागठबंधन के पास 114 विधायक ही हैं और बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का है, यानी 122 की जरूरत है। तो बहुमत से 6 विधायक ज्यादा ही एनडीए के पास हैं। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में खेला होने की बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले इसको लेकर बयान दिया था। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाई थी, उसी दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल तो शुरू होने वाला है। यहां समझने वाली बात यह भी है कि महागठबंधन की पार्टियां डरी हुई हैं। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद हालात अब बदल गए हैं। कांग्रेस ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। कांग्रेस को टूट का डर सता रहा है। विपक्ष बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि फिर बहुमत की सरकार होने के बावजूद खेला कैसे संभव है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर नाम बदलकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईडी के डर से रातों रात जमीन के कागजात बदल दिए गए, पर सच सामने आ ही गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अगर है हिम्मत कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा देता हूं। इन्होंने दूसरों के नाम से आया तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। झारखंड में एक बार फिर जमीन घोटाले को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। एक दिन पहले सदन में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनौती दी थी कि विपक्ष उनके नाम से किसी जमीन के कागजात दिखा दे तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अगर है हिम्मत सदन में तो कागज पटक कर दिखाए कि 8.5 एकड़ का जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर है, अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जब राजनीतिक रूप से ये नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बैकडोर से हमला करते हैं, पीठ पर हमला करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आंसू नहीं बहाऊं, आंसू वक्त के लिए रखूंगा। इनके षड्यंत्र का जवाब वक्त आने पर बड़ी माकूल तरीके से दिया जाएगा। हेमंत सोरेन की इसी चुनौती के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने संतोष मुंडा का वो वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। हाँ, ये जमीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू शुरू मिला था, 2-3 बार सवाल नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की जमीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। और क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का जमीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन का। झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि बड़गाई अंचल में पत्थरों से घेराबंदी करके 8 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ईडी के कहने पर बड़गाई अंचल के अधिकारियों ने जांच की और केंद्रीय जांच एजेंसी को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जमीन को 17 लोगों के नाम पर दर्ज बताया गया। और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यह जमीन चारों तरफ से बाउंड्री है, वहाँ संतोष पहान और वहाँ क्या बोलते हैं 5-6 साल से वो अपने एक परिवार के साथ मैंने वहां लोग रहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये पाहन परिवार के नाम दर्ज है ये जमीन। जमीन भुइहारी होने के कारण बेची नहीं जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजी 2 के अनुसार अभी यह जमीन 17 लोगों के नाम दर्ज है।
बाबूलाल मरांडी ने सीधा आरोप लगाया कि जब ईडी की जांच में जमीन घोटाले की सच्चाई सामने आने का डर सताने लगा तो गुपचुप तरीके से जमीन को रातों रात राजकुमार पाहन के नाम से दर्ज करवा दिया गया। अगर होगा मैं उस दिन से राजनीति से हेमंत सोरेन की चुनौती और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के पलटवार से जमीन घोटाले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से तेज होने लगा है। और अब आप हेमंत सोरेन को बाबूलाल मरांडी के जवाब को समझिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को जवाब दिया है। हेमंत सोरेन के चैलेंज पर बाबूलाल मरांडी ने जोरदार पलटवार किया है। हेमंत सोरेन पर नाम बदलकर जमीन हड़पने का आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाया गया। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बीजेपी को खुली चुनौती दी थी, जमीन के कागजात में नाम होने पर राजनीति छोड़ने की बात तक उन्होंने कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उनका नाम सामने आता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चंपाई सोरेन की सरकार के विश्वास मत के दिन हेमंत सोरेन ने बीजेपी को ये चुनौती दी थी। 24 घंटे के भीतर ही बाबूलाल मरांडी ने इसका जवाब हेमंत सोरेन को दे दिया है। ईडी के डर से जमीन के कागजात बदलने का आरोप अब हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी लगा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने सार्वजनिक तौर पर हेमंत सोरेन की खिंचाई भी की। नाम बदलकर जमीन हड़पने का आरोप हेमंत सोरेन पर बाबूलाल मरांडी ने आज लगाया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि विकास के काम को आगे बढ़ाना है। हालांकि वित्त मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी के सामने कई सारी चुनौतियां भी हैं। आइए सबसे पहले उन चुनौतियों को जानते हैं और फिर खबर को समझते हैं। सम्राट चौधरी नीतीश कैबिनेट में नंबर दो की हैसियत रखने वाले सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम तो हैं ही, साथ में उनके पास भारी भरकम वित्त विभाग की जिम्मेवारी भी है। मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का पदभार ग्रहण किया। मुख्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों ने सम्राट चौधरी का स्वागत किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि गरीब कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारना है। बजट सत्र के दौरान पेश होने वाले बजट के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आगे भी हम लोगों के लिए यही बड़ी चुनौती होगी कि हम अपने संसाधन को कैसे बढ़ाएं और भारत सरकार का सहयोग लेकर, क्योंकि आज भी जो हमारा बजट है इसमें हमारी हिस्सेदारी कम रहती है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो टैक्स वसूलने के बाद इनकम टैक्स के माध्यम से हमको जो प्राप्त होता है ये एक बड़ा बजट होता है, लगभग 2,61,000 करोड़ का बजट है। तो इस परिस्थिति में आगे के दिनों में भी हम वित्तीय प्रबंधन और अच्छे से कैसे कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग की जिम्मेवारी तो संभाल ली, लेकिन उनके सामने कई तरह की चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, जैसे कैसे बिहार में राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे आंतरिक संसाधन में बढ़ोतरी हो, वित्तीय प्रबंधन कैसे बेहतर हो, सीमित संसाधनों में बिहार में रोजगार के अवसर कैसे पैदा हों, कैसे बिहार में उद्योग का जाल बिछाया जाए और केंद्र से मिली सहायता राशि का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो। ये सारी चुनौतियां इसके पहले के वित्त मंत्रियों के सामने भी थीं, चाहे वो विजय चौधरी हों या सुशील मोदी। यानी सम्राट चौधरी ने वित्त विभाग का पदभार तो संभाल लिया, पर उनके सामने बेहतर करने की चुनौती अभी बाकी है। देखना होगा बिहार के वित्त मंत्री की भूमिका में सम्राट चौधरी कितना बेहतर कर पाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप सम्राट चौधरी की चुनौतियों को समझिए। बिहार के डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और बिहार का वित्त विभाग भी सम्राट चौधरी ही संभाल रहे हैं, उन्हें इसकी जिम्मेदारी मिली है। मंगलवार को सम्राट चौधरी ने अपना कार्यभार संभाल लिया। विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का उनकी तरफ से ऐलान किया गया है। हालांकि बतौर वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के सामने कई सारी चुनौतियां भी आने वाली हैं, जैसे बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी करना एक बड़ी चुनौती है।
बिहार में उद्योग का विस्तार होना ये भी दूसरी बड़ी चुनौती उनके लिए होगी। रोजगार के अवसर को बढ़ाना ये सबसे जरूरी है। शिक्षक के अलावा दूसरे विभागों में भी बहाली जरूरी है। बिहार के सीमित संसाधन में विकास करने की चुनौती भी सम्राट चौधरी के सामने होगी। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार में विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। बढ़ते आगे, बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में जल्दी होने जा रही है। शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। वहीं 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एक तरफ नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरोध में आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर से बहाली का बड़ा पिटारा खोल दिया है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली फेज 3 की घोषणा कर दी है। फेज 3 में प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के लिए वैकेंसी निकलेगी, जिसके लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। वहीं 7 मार्च से 17 मार्च तक परीक्षा आयोजित होगी। तैयारी 3 को समझ लीजिए, सप्लीमेंट्री तैयारी समझ लीजिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन सप्लीमेंट्री तैयारी आप एक समझ लीजिए एक तरह से। और वो तैयारी 3 होगा और वो मार्च में होगा। और अभी हम लोगों ने एक टेंटेटिव आपको डेट मैं कुछ बता दूं, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे ऑनलाइन। बीपीएससी के अनुसार ये परीक्षा शिक्षा विभाग और SC ST वेलफेयर दोनों के लिए होगी और होली के पहले ही तीसरे चरण की बहाली परीक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ शिक्षक बहाली फेज तक ही सीमित नहीं है, शिक्षक बहाली फेज 4 की परीक्षा भी होगी और वो होगी अगस्त के महीने में। यानी बिहार में भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन नौकरी की बहार जारी रहेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।